हेलो दोस्तों मैं जीवन फिर हाजिर हूँ आपके सामने सीएससी से जुड़ी जानकारी को लेकर के जैसा कि आप सभी जानते हैं जितने भी व्यल्ली भाई हैं उन्होंने अपने सेंटर से या फिर कुछ मेरे व्यल्ली भाइयों ने कैंप लगा करके अलग अलग गांव में जा कर के आयुष्मान कार्ड का कार्य किया था तो उनको जो कार्ड की पेमेंट थी अभी तक रिलीज नहीं की गई थी और कारण जो सी ने कहा था कि जो कार्ड है जब आप कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं और उसके बाद आपको जो पेमेंट है वो रिलीज कर दी जाएगी तो अभी तक जितने भी सी एस भाई हैं उनको जो पेमेंट है वो नहीं मिली थी तो अभी

मैंने यहाँ पे जो सेंटर का एड्रेस था वो नहीं दिया था मैंने अपने होम का एड्रेस दिया था यानी कि घर का एड्रेस अपना दिया था तो घर के जो मेरे एड्रेस पे आ चुका है इसके जो ऊपर जो मेंशन है वो मेरी सी एस सी मेंशन है और साथ में जो मैंने एड्रेस उनको दिया था वहां पर फिल किया था फॉर्म पर तो वो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है तो अभी आज ये जो कार्ड है मेरे पास डिलीवर हुए हैं तो डिलीवर होने के बाद लगातार मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे को सही प्रोसेस पता लग सके ताकि मैं इनको डिलीवर करके उसके बाद जो है पेमेंट को ले पाऊँ तो इसका सही प्रोसेस क्या है कैसे आप अपनी पेमेंट ले पाएंगे और कैसे कस्टमर को डिलीवर करने के बाद अपनी डिटेल जो है वो आयुष्मान के पास भेज पाएंगे जिससे कि आपकी जो पेमेंट है वो सही तरीके से रिलीज़ हो पाए तो प्रोसेस मैं आपको पूरा बताने वाला हूं और जिन मेरे व्यली भाइयों ने मैंने पहले बताया है जिन मेरे व्यली भाइयों ने जो फॉर्म नहीं सबमिट किया था और उनके कार्ड अभी तक नहीं आए हैं तो वो कैसे मंगवाएंगे पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे मेरे साथ और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ लगातार वीडियो के माध्यम से मिलती रहे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कैसे आप इनको डिलीवर करेंगे तो दोस्तों हम स्क्रीन पे आ गए हैं आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से लिंक कुछ दिन पहले जो सी एस सी डी एम है उनके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सभी वियलिज को शेयर किया गया था ताकि वो अपनी जो एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर पाएँ और अपने आयुष्मान कार्ड सही जगह पर मंगवा पाएं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करके जो आपकी एड्रेस डिटेल थी आपको ज़रूरी नहीं था कि आपको अपने सेंटर की डिटेल यहाँ पर फिल करनी थी आप यहाँ पर अपने घर का एड्रेस यानी कि होम का एड्रेस भी फिल कर सकते थे या फिर आप जहाँ पर इसको मंगवाना चाहें जहां पर आपको ये आसानी से मिल पाए जैसा कि आपको किसी प्रकार की कोई भी रुकावट ना हो और आप तक ये आसानी से पहुंच पाए तो दोस्तों जो व्यली भाई हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था उनके जो कार्ड हैं वो आ चुके हैं मेरे कुछ व्यली भाई हैं जिन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वह कैसे फिल करेंगे पूरी जो जानकारी है आपको आगे देने वाला हूं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से खुल के आ जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाता है डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो सी एस सी है वो दिखाई दे जाती है उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो दिखाई देता है आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं आपको यहाँ पे अपनी जो एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी होगी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले आपको अपना जो व्यली नेम है वो यहाँ पे डाल देना है उसके बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है उसके बाद आपको अपनी ई मेल डाल देनी है अल्टरनेट ई मेल आई डी है वो यहाँ पर डाल देनी है उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट डाल देना है उसके बाद आपको अपना जो ब्लॉक है वो यहाँ पे डाल देना है उसके बाद आपको अपना पिन कोड नंबर यहाँ पे डाल देना है उसके बाद अगर कुछ एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है जहाँ पे आपको ये कार्ड जो है मंगवाने हैं वो सही से आप यहाँ पे फिल कर देंगे उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है तो उसके बाद जो आपकी एड्रेस डिटेल है वो सबमिट हो जाती है और आपका जो पी कार्ड है वो जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाएंगे दोस्तों जिन्होंने अभी तक जो एड्रेस है वो फ़िल नहीं किया है वो फिल करके अपने जो कार्ड है वो मंगवा लेंगे और जिन्होंने फिल कर दिया है उनके बारे में मैं प्रोसेस बता देता हूँ उनको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है तो दोस्तों जो वियली भाई पहले अपना एड्रेस वाला फॉर्म सबमिट कर चुके हैं उनको इस पेज पे आके वियएल्ली सी एस सी कोनेक्ट के साथ में लॉगिन कर लेना है इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और जो वियली भाई मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको ये लिंक ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा तो जैसे ही आप सी एस कनेक्ट के साथ लॉग करते हैं तो लॉग करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से लॉग वाला पेज खुल के आ जाता है आपको अपनी सी एस और पासवर्ड के साथ लॉग कर लेना है चलिए मैं लॉग कर लेता हूँ और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी सी एस सी आई डी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेते हैं आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देता है आपको सबसे पहले आपकी जो सी एस सी आई डी है वो शो होने लगती है और अगर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कार्ड रिसीव्ड कार्ड डिलीवर्ड और चेक डिस्पैच स्टेटस तो दोस्तों कार्ड रिसीव्ड में आपके पास जितने कार्ड आ चुके हैं और आपने रिसीव कर लिया है वो यहाँ पे स्टेटस आपको शो होने लगेगा अगर कार्ड आपके डिलीवर किए हैं और डिलीवर कितने कार्ड हो चुके हैं वो यहाँ पे स्टेटस आपको शो होने लगेगा अगर आपको तो अपना जो डिस्पैच स्टेटस है यानी कि आपके जो कार्ड मंगवाए गए हैं आपके द्वारा उनका जो स्टेटस है विभाग द्वारा कहां तक वो आ गए हैं उनका स्टेटस चेक करना है तो आप यहां से चेक डिस्पैच स्टेटस चेक कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस जो है वो बता देता हूं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें चेक डिस्पैच स्टेटस पे क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जितने भी पेजेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इनके सभी के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर मिल जाएंगे वहाँ से क्लिक करके आप सीधे इन पेजेस पर पे आकर के प्रोसेस कम्प्लीट कर सकते हैं तो चलिए अभी हम चेक डिस्पैच स्टेटस पर क्लिक कर लेते हैं

ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप फॉरवर्ड हो जाएंगे और उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आ जाएंगे और वहां पे आप अपना डोकेट जो है वो ट्रैक कर पाएंगे तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडियन पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से क्लिक करके यहाँ पे पहुंच गए हैं उसके बाद आपको जो कंसाइनमेंट नंबर रहेगा जो मैंने आपको डोकेट नंबर सबसे पहला दिखाया था वो डोकेट नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद जो आपका कैप्चा कोड रहेगा वो यहां पे आपको आंसर देकर और सर्च पे क्लिक कर देना है और सर्च पे क्लिक करने के बाद जो आपका जो आपका कंसाइनमेंट नंबर रहेगा वो किस स्थिति में है और कहां तक पहुंच चुका है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा आपको लगातार वो ट्रैक करते रहना है जैसे ही आप तक पहुंच जाता है और आगे का प्रोसेस उसके बाद आपको कंप्लीट कर लेना

लेकिन आपको एक और बात बता देता हूं आप सीधे ही अब जन आरोग्य की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन नहीं कर सकते पहले हम गूगल पे जा करके उसके बाद सर्च करके वहां पे लॉग इन कर लेते थे लेकिन अभी ऐसा नहीं है आपको इस पर लॉग इन करने के लिए पहले अपने डिटेल सेवा पोर्टल पे लॉग इन करके उसके बाद आयुष्मान साइट को सर्च करके उसके बाद ही लॉगिन आप कर पाएंगे तो चलिए मैं लॉग इन करके आपको आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके दिखा देता हूँ तो चलिए मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से जो विंडो खुल के आएगी आपको दोबारा जो आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल लेना है तो चलिए मैं यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देता है आपको एक खास बात बता देता हूं जैसे पहले हम लॉगिन करते थे उसके बाद आपके सामने यहां पे सिर्फ दो ऑप्शन दिखाई देते थे अभी आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपको कन्फर्म सी एस एंड प्रोसीड और सेकेंड जो ऑप्शन हमको दिखाई देता था वो लॉग आउट एंड टर्मिनेट सेशन तो इस प्रकार से दो ऑप्शन हमको दिखाई देते थे लेकिन अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन वो दिखाई देगा देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लॉग फॉर प्रिंट पी तो इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन अलग से

तो मैंने लॉग इन प्रिंट पे क्लिक किया है तो दोस्तों जैसे ही आप प्रिंट पीवीसी पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा यहां पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे फर्स्ट जो ऑप्शन है आपको प्रिंट पीवीसी और सेकंड ऑप्शन डिलीवर्ड कार्ड तो ये दो इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे जो प्रिंट पीवीसी जो कार्ड है यहां से आप कैंडिडेट को वेरीफाई करके और उनका जो प्रिंट पीवीसी है वो वितरित करेंगे और सेकेंड जो ऑप्शन है डिलीवर कार्ड यहाँ से आप जितने कार्ड वितरित करेंगे वो डिटेल यहाँ पे आपकी शो होगी तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ जो पहला ऑप्शन है प्रिंट पीवीसी यहां पर आपको क्या करना होगा जैसे आप प्रिंट पीवीसी पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने यहाँ पे बेनिफिशरी नेम यहां पे डाल देना है उसके बाद आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो कार्ड है वो यहाँ पे डाल देना है जो नंबर रहेगा उसका उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है उसके बाद आपको जो डेट है जिस डेट को वो बनवाया गया था कार्ड वो यहाँ पे डालनी है उसके बाद टू डेट जिस डेट तक आप उसको सर्च कर रहे हैं उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं सर्च पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी आपको सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करने के बाद उनका जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको इसके बाद बता देता हूँ सेकेंड ऑप्शन में क्या है आप जैसे ही आप यहाँ पे डिलीवर कार्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको डिटेल

तो दोस्तों जैसे ही वेली को कार्ड रिसीव हो जाते हैं उसके बाद वो स्टेटस को अपडेट कर देता है तो उसका जो डैशबोर्ड रहेगा उस पर इस प्रकार से जो लिस्ट है वो शो होने लगेगी इसमें आप कार्ड को डाल करके और जो कैंडिडेट है उसको सर्च कर सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे कार्ड डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से जो लिस्ट है वो शो होने लगेगी और लिस्ट में आपको वो नाम सबसे ऊपर दिखाई देने लगेगा इस कैंडिडेट को आप कार्ड देना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे और सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे चूज करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं ऑप्शन आने के बाद आपको सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है जैसे ही आप एसएमएस पे क्लिक करते हैं जो कैंडिडेट रहेगा उसके मोबाइल पे एक एसएमएस रिसीव होता है और उसको पता लग जाता है कि मेरा जो पीवीसी कार्ड है वो आपके सेंटर पे आ चुका है तो उसको इस प्रकार से आप डिलीवर कर सकते हैं तो चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ उसका वेरिफिकेशन कैसे आपको कंप्लीट करना है आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देना है तो इस प्रकार से कंसेंट खुल के आपके सामने आ जाता है आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है आपके सामने ओ डालने की जगह खुल जाती है और आपको ओ टीपी डाल के वो वेरीफाई कर लेना है जो आपका आधार के साथ लिंक मोबाइल रहेगा उस पर कैंडिडेट का जो ओ है वो जाएगा वो यहां पे डाल के और उसको वैलिडेट कर देना है जैसे ही उसका ओ टीपी वेरीफाई हो जाता है उसके बाद उसको ऑथेंटिकेशन के लिए वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों उसका जो फिंगर है वो लगा करके उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना है दोस्तों बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ चार बार मौका मिलता है अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो आपको दो ऑप्शन अलग से दिए जाते हैं मैं आपको बता देता हूं आप यहां पे देख सकते हैं ऑथेंटिकेट बाय ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार कार्ड और सेकंड जो है ऑथेंटिकेट बाय ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन करंट रजिस्ट्रेशन यानी कि आपने जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिया था उससे भी आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और यदि आपका जो आधार कार्ड नंबर है उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे भी आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं तो आप दोनों नंबर से इस पे ओटीपी भेज के और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रकार से आपको ऑप्शन चूज कर लेना है अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिया था उसको चूज करना चाहें तो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको चूज कर लेंगे और इस प्रकार से पॉपअप आपके सामने आ जाता है डू यू वॉट ऑथोर्टिकेट यूजिंग बिज ओटीपी तो आपको इस प्रकार से ओके पे क्लिक कर देना है ओके पे क्लिक करने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस टाइम पे जो आपने रजिस्टर किया था उस पर ओटीपी चला जाएगा तो ओटीपी आपको फिल कर देना है तो दोस्तों जैसे ही ओटीपी आ जाता है आपको जो PVC कार्ड है वो कस्टमर को दे देना है और आपका जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही फिर मिलता हूं एक नई वीडियो नई जानकारी में तब तक, तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम